सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। जिस दिन बाजार में ये वैक्सीन आएगी और शहर में लोग उसका उपयोग ले रहे हैं, नई मुंबई में जनता के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपल्या सगळ्या आठवत असेल, साधारणपणे एक दीड महिन्यापूर्वी माननीय आयुक्त महोदयांना मी सांगितलं होतं की सिरम जी पुण्याची जी इन्स्टिट्यूट आहे आणि अन्य इन्स्टिट्यूटकडे तुम्ही पत्र देऊन मागणी करा, गरज पडली तर ॲडव्हान्स देऊन ठेवा, जेव्हा केव्हा ही लस उपलब्ध होईल त्याला युद्ध पातळीवर नवी मुंबईच्या लोकांना ती फुकट मिळाली पाहिजे। आणि तशा प्रकारचं माननीय आयुक्तांनी तशा प्रकारचं पत्र दिलेलं आहे। देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कई कंपनियां ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी है। वैक्सीन बनने के बाद एवं उसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता मिलने के बाद नवी मुंबई के जनता को ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए, ऐसी सूचना विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ 28 जुलाई 2020 को संपन्न हुए बैठक में की थी। मैंने उनसे कहा कि भाई आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन की जो सुविधा जो इंडस्ट्री में उपलब्ध होने वाले R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अभी उपलब्ध होने वाली है, आज के तारीख में जिन संस्थाओं ने ऐसे वैक्सीन तैयार की है उनके पास आपने डिमांड रखो, उनसे बात करो। जिस दिन बाजार में ये वैक्सीन आएगी और शहर में लोग उसका उपयोग ले रहे हैं, नई मुंबई में जनता के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो बात तुरंत मंजूर की और आज के आज वो सभी इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने वाले हैं कि जिनके जरिए मैंने वाले दो से मिलने वाले चार को पत्र लिखो। और देखिए बात, एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी दवा को या किसी वैक्सीन को अप्रूव किया तो 19-20 का फर्क हो सकता है एक आधा, लेकिन वैक्सीन तो वही एक जैसे रहती है, तो उन्होंने कबूल किया और अपने नई मुंबई की जनता के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी। आज पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ हुए मुलाकात में दोबारा ये मुद्दा उन्होंने आयुक्त के सामने उपस्थित किया एवं कहा कि कोरोना वैक्सीन की जांच के पहले एवं दूसरे चरण की जाँच में अच्छी खबर सामने आई है, इसलिए अब जल्द ही वैक्सीन लोगों को उपलब्ध होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में आयुक्त द्वारा पत्र लिखकर नवी मुंबई के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो ऐसी मांग की जाए, साथ ही लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाए, इसका प्रयास करने की सूचना भी उन्होंने आयुक्त को की है। आपल्या सगळ्या आठवत असेल, साधारणपणे एक दीड महिन्यापूर्वी माननीय आयुक्त महोदयांना मी सांगितलं होतं की सिरम जी पुण्याची जी इन्स्टिट्यूट आहे आणि अन्य इन्स्टिट्यूटकडे तुम्ही पत्र देऊन मागणी करा, गरज पडली तर ॲडव्हान्स देऊन ठेवा, जेव्हा केव्हा ही लस उपलब्ध होईल त्याला युद्ध पातळीवर नवी मुंबईच्या लोकांना ती फुकट मिळाली पाहिजे। आणि तशा प्रकारचं माननीय आयुक्तांनी तशा प्रकारचं पत्र दिलेलं आहे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि केवल वैक्सीन आना ये समाधानकारक नहीं है, बल्कि वैक्सीन का स्टोरेज कैसे किया जाएगा, साथ ही विभाग निहाय पद्धति से ये वैक्सीन कैसे वितरित किया जाएगा उसका उचित नियोजन करने की सूचना उन्होंने आयुक्त से की है एवं अगले सप्ताह में होने वाले बैठक में वे इसकी जानकारी आयुक्त से लेंगे। नुसती लस येणार नुसते काही पुरेसे नाही, तर ती लस आल्यानंतर योग्य ठिकाणी तिचा स्टोरेज झाला पाहिजे,
आणि योग्य पद्धतीने लोकांना विनामूल्य ती वाटली पाहिजे याकरता आज पुन्हा त्यांना मी आठवण दिलेली आहे आणि त्या अनुषंगानं सातत्यानं पुढच्या मीटिंगच्या वेळेला आम्ही त्याचा लायझा घेऊ की बाबा तुम्ही कुठली जागा निवडली आहे स्टोरसाठी आणि त्याला शीतगृह लागेल त्याला ती लोकांना वॉर्ड वाईज देण्याची त्यांची एक यंत्रणा कशी केली तशा मागणी आम्ही केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़.